अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आईटेक। दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल रीराइटर टूल या आर्टिकल स्पिनर टूल की हेल्प से हम पैसे कमाना सीखेंगे। मतलब इस मेथड की हेल्प से आप एक घंटे या दो घंटे में हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आपको पता है कि वर्डप्रेस या ब्लॉगर पे आर्टिकल्स लिखने के पैसे मिलते हैं। मतलब आप वहाँ पे आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं और उसके बाद वहाँ पे एड्स लगाने के बाद आप वहाँ पे पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है आप बैठे रहेंगे और आपके पैसे बनते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई बंदा आएगा आपके एड्स पे या क्लिक करेगा या आपके एड को व्यू करेगा तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। अब आर्टिकल रीराइटर टूल जो है या आर्टिकल स्पिनर टूल जो होता है, वो एक्चुअली करता क्या है कि आपके एक आर्टिकल को, यानी कि आपने कोई भी इंटरनेट से आर्टिकल उठाया, आपको वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और आपका आर्टिकल जो है वो रीराइट हो जाएगा। आपके जो भी ग्रामर है, आपके जो भी वर्ड्स के सिनोनिम्स हैं, वो वहाँ पे चेंज हो जाएंगे। मतलब एक वर्ड लिखा हुआ है तो उसका सिनोनिम ऑटोमेटिकली चेंज होकर आपका पूरा का पूरा आर्टिकल चेंज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको जो है वो कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं आएगी। मतलब अगर आप जो है वो एक ब्लॉगर पे एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपकी गूगल जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि ये जो टेक्स्ट है ये कॉपीराइट है। और क्योंकि आपका जो आर्टिकल है वो कॉपीराइट नहीं होगा तो गूगल आपकी जो है वो मोनेटाइजेशन भी इनेबल कर देगी, आपको गूगल एड्स भी प्रोवाइड कर देगी। ये मेथड जो है वो वर्डप्रेस, ब्लॉगर या जो भी आर्टिकल राइटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे ये वर्क करता है। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस पे काम करना है, किस तरह से आप आर्टिकल कहाँ से उठाएंगे और कहाँ पे उसको पेस्ट करना है, कैसे वो आर्टिकल रीराइट हो जाएगा या स्पिन हो जाएगा, उसके वर्ड जो है वो चेंज हो जाएंगे, आपकी एसईओ जो है वो वहाँ पे बन जाएगी ऑटोमेटिकली और आपका जो कॉन्टेंट होगा वो फुली कॉपीराइटेड फ्री होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है गुरु एसईओ टूल, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख के इंटर कर देना है और यहाँ पे आपको पहली पे लिंक मिलेगी 100% फ्री एसईओ टूल्स गुरु एसईओ टूल्स डॉट कॉम, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे पहला पहला जो है वो एक टूल मिल जाएगा आर्टिकल रीराइटर के नाम से। या अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो आप यहाँ पे भी इसको जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे टूल आ जाएगा आर्टिकल रीराइटर, इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके अंदर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ये उसको कन्वर्ट कर देगा एक अलग टेक्स्ट में, यानी कि उसकी जो मीनिंग होगी वो सेम होगी लेकिन उसके जो अल्फाज होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अल्फाज चेंज होने का मतलब है कि गूगल का जो AI बोट है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये जो है टेक्स्ट ये कॉपी है या नहीं। अब आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और कोई भी यहाँ पे एक आर्टिकल सर्च कर देना है। मान लीजिए अगर आपका कोई भी एक ब्लॉग है जो किसी भी एक चीज के बारे में, अगर चेयर के बारे में, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे व्हाट इज चेयर और यहाँ से आप कोई भी एक वेबसाइट उठा लें, जैसे ये विकीपीडिया है तो आप विकीपीडिया में चले जाएं, वहाँ पे आपको जो है वो आर्टिकल मिल जाएगा। उस आर्टिकल को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। मान लीजिए अगर आप जो है वो यहाँ से ही उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आर्टिकल रीराइटर टूल में आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया गुरु एसईओ टूल्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आप नीचे आके इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे कोई भी कैप्चा वगैरह नहीं है तो आप वहाँ पे कोई भी जो है वो कुछ भी लिखेंगे तो वो अब बिना टाइम वेस्ट किए आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। ये इसका आउटपुट यहाँ पे आ गया है, आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो एक्चुअली चेंज हो चुका है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है अ चेयर इज़ अ टाइप ऑफ सीट टिपिकली डिजाइन फॉर वन पर्सन, और यहाँ पे लिखा हुआ है अ चेयर इज़ अ फॉर्म ऑफ सीट, वहाँ पे टाइप लिखा हुआ है नॉर्मली डिजाइन फॉर वन मा आर वुमेन, मीन्स मेन आर वन मेन आर वुमेन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, इसका मतलब वही निकलता है लेकिन यहाँ पे अल्फाज जो है वो चेंज हो गए। तो गूगल का जो बोट है या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका जो बोट है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो कहेगा कि ये अल्फाज चेंज है, ये जो टेक्स्ट है ये कॉपीराइट फ्री है, ये रॉयल्टी फ्री टेक्स्ट है। तो आपकी जो वेबसाइट है वो मोनेटाइज भी हो जाएगी, आपको एड्स भी मिल जाएंगे, कॉपीराइट फ्री भी होगी और आप एक घंटे के अंदर ऐसे हंड्रेड्स में जो है वो आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आपका जो ब्लॉग है वो आप बहुत ही आसानी से उसको भर सकते हैं। तो दोस्तों इस टेक्स्ट को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और आपको नोटपैड पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ से आपको कॉपी करके आप जो है वो किसी भी अपनी पोस्ट पे जाके आप वहाँ पे उसको पोस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है वो उसको पेस्ट करके इसी तरीके से आप जो है वो यहाँ से दूसरी जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसी तरीके से आप यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे आप ट्राई न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको फिर से पेस्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसी तरीके से आप प्रोसेस को जो है वो रिपीट करेंगे और आर्टिकल्स बना बना के आपको वहाँ पे पोस्ट कर देने, सिंपली यही मेथड है। और उसके बाद आपको एड्स के लिए अप्लाई कर देना है और आपको जो है वो गूगल के एडसेंस मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में आप जो है वो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।